मार्केट की हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया मौजूद है फोन लाइन पर। अजय गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। आज किस तरह की रणनीति अपना के चले कमोडिटी मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हमने देखा डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 102 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हफ्ते में। बुलियन में अगर बात करें तो गोल्ड इस वक्त भी इंटरनेशनल में $2,000 पे भी ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कल लोअर लेवल से रिकवरी जरूर थी, बट सेलोन रैली का ही रणनीति बनाकर बुलियन में ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे गोल्ड में 60,350 से देखिए 60,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 59,800 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड कल चांदी में ज्यादा गिरावट थी और आज भी कंटिन्यू रह सकती है, तो 74,800 के करीब चांदी बेची है, 75,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 73,400 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल हमने एक काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है डिमांड कंसर्न को लेकर, तो आज भी थोड़ा बाउंस मिल सकता है। 6420 पे कच्चे तेल को बेचेंगे, 6550 के स्टॉप लॉस से 6220 तक के टारगेट में। एंड लास्ट में अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही, जिसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यू दबाव बना हुआ है। कल भी हमने कॉपर और जिंक दोनों में ही बड़ी गिरावट देखी थी, आज के लिए भी 745 पे कॉपर को बेचिए, 749 के स्टॉप लॉस से 732 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर भी 236 के बाउंस पे बेच के चलिए 228 के टारगेट के लिए। ऑलराइट अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है हर स्पेस में, तो सभी सेगमेंट में सभी स्पेसेस में आज बिकवाली करने की राय। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से, और यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है परसिस्टेंट सिस्टम्स, कल नतीजा है और आज यहाँ पर तेजी की उम्मीद की जा रही है 4,520 के लेवल्स के लिए, और इनका दूसरा कॉल है पिरामल इंटरप्राइजेस पर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, 760 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 700 का ये सुझा रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने तीन रणनीति सजेस्ट की है, पहला है रिलायंस, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2,420 के लक्ष्य के लिए, दूसरा है RCF, 115 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं RCF में, स्टॉप लॉस होगा 103 का, और टाटा केमिकल में बिकवाली की राय ये दे रहे हैं, 960 का स्टॉप लॉस लगाइए और 900 के लेवल्स तक की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए, चलिए फिलहाल